अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है स्लीपिंग पोजीशन इन प्रेगनेंसी, यानी कि हामला खातून को सोते हुए कौन सी पोजीशंस इख्तियार करना फ़ायदेमंद है। हामला ख़वातीन अक्सर मुझसे सवालात पूछती हैं कि हम क्या सीधे सो सकते हैं, हमें कौन सी पोजीशन में सोना हमारे और हमारे बेबी के लिए फ़ायदा मंद है। एक्चुअली हमल के पहले 3-4 महीने तक तो इससे कोई ख़ास असरअंदाज नहीं होती है पोजीशन, इसलिए कि अभी यूट्रस का साइज़ भी छोटा होता है और अभी वो कोई इतना मैकेनिकल प्रेशर अपने इर्द गिर्द के ऑर्गन्स के ऊपर नहीं आ रहा होता। लेकिन हमल के 5वें महीने से ऑनवर्ड ये यूट्रस का साइज़ इतना इंक्रीज़ हो जाता है कि उसका प्रेशर उसके इर्द गिर्द के ऑर्गन्स पे, यानी आंतों पे और बड़ी खून की नालियों पे और फेफड़े और डायाफ्राम और इन तमाम ऑर्गन्स के ऊपर मैकेनिकल प्रेशर मैदे के ऊपर आ सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में सीधा, अगर बिल्कुल सीधा लेटें तो फिर जो हमारी खून की बड़ी शरियाने जो कि बैक से गुज़र रही हैं, एओर्टा भी और इन्फीरियर वेना कैवा भी, उनके ऊपर ग्रेविड यूट्रस का सीधा लेटने की पोजीशन में कभी कभी प्रेशर आ सकता है, ख़ास तौर पे अगर ट्विन पोजीशन है या और भी कोई कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि फाइब्रॉइड है या इस तरह से। तो फिर सीधा लेटने से अचानक ब्लैकआउट हो सकता है, अचानक डिजीनेस हो सकती है, अचानक खातून ये कंप्लेन कर सकती है कि मुझे बिल्कुल अंधेरा छा गया लेटकर, सीधा लेटकर आँखों के गिर्द। तो उनके लिए, ख़वातीन के लिए एडवाइजेबल है कि वो कभी भी बिल्कुल सीधा चित ना लेटें। हमल के 5वें महीने से ऑनवर्ड बेहतर होगा कि आप कोई एक करवट लेके सोएं, चाहे वो राइट साइड हो चाहे वो लेफ़्ट साइड हो। कन्वेंशनली ज़्यादातर चूँकि यूट्रस का झुकाव ज़्यादातर ख़वातीन में राइट साइड पे होता है, इसलिए उनको एडवाइस जनरली करते हैं कि आप बाईं करवट पे लेटें। लेकिन ये कोई बहुत स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, दाईं करवट पर भी लेट सकते हैं, बाईं करवट पर भी लेट सकते हैं। करवट लेने का तरीक़ाकार ये हो कि पूरे का पूरा ही फुल करवट नहीं लेनी 90 डिग्री पे, बल्कि इस तरह का हल्का सा टिल्ट हो कि अपनी बैक साइड के ऊपर भी तकिया रखा हो खातून ने और ऊपर वाली टांग जिस तरफ भी करवट लें, चाहे लेफ़्ट की लें चाहे राइट की लें, दोनों सूरतों में जो ऊपर वाली टांग है उसके नीचे भी एक मोटा सा स्टिफ या फर्म तकिया हो। इस तरह कमर को भी सपोर्ट मिलती है, घुटने को भी सपोर्ट मिलती है, प्रेग्नेंट यूट्रस के ऊपर भी प्रेशर नहीं आता और मदर के अपने भी बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर इतना प्रेशर नहीं आता और कंफर्टेबल सो सकती हैं। इसके अलावा स्लीपिंग पोजीशन में एक और एहतियात यह है कि बेड की हेड एंड साइड भी थोड़ी सी रेज हो, ऊंची हो, और इसका फ़ायदा यह है कि लेटते साथ ही मैदे में से बुखारात उठते हैं, जो एसिडिक कंटेंट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है मैदे के अंदर, वो प्रेगनेंसी में चूंकि और ज़्यादा ये फीचर नुमाया हो जाती है प्रेगनेंट यूट्रस के प्रेशर की वजह से, तो इट इज़ बेटर कि हेड एंड अप करके सोएं थोड़ा सा, या तो बेड के दो सरहाने वाले पायों के नीचे कोई एक आधी ईंट रख लें या कोई ऊंचा स्पेस कर लें उसको, या डबल तकिया ले लें या जिस तरह भी है, हेड एंड साइड थोड़ी सी ऊंची हो तो उससे लेटते साथ ही एसिडिटी का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कंफर्टेबल नींद आएगी। और इसी तरह कई ख़वातीन जो हैं वो और मज़ीद, यानी कि इवन 45 डिग्री का एंगल भी बना लेती हैं लेटते हुए पोजीशन में। इस किस्म के प्रेगनेंसी कंफर्टेबल पिलोज़ भी अब मार्केट में मैंने देखे हैं कि अवेलेबल हैं अक्सर फोम और की दुकानों पे। मैट्रेस कैसा होना चाहिए? मैट्रेस भी डेफिनेटली नरम गद्दा ही होना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान पेल्विक जॉइंट्स के जोड़ इतने हार्मोन्स के असर में, प्रोजेस्टोजन हार्मोन के असर में इतने थोड़े से लूज़ ढीले हो जाते हैं कि वो पेनफुल हो जाते हैं, ख़ास तौर पे पेल्विस के बैक साइड के और फ्रंट के दोनों कूल्हे की हड्डियाँ जहाँ आपस में ज्वाइन कर रही हैं। तो ऐसी सूरत में भी कंफर्टेबल पिलो ज़्यादा बेहतर होगा, कंफर्टेबल मैट्रेस जो सारा सॉफ्टर हो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसी तरह बेड की ऊंचाई भी इतना ऊंचा ना हो कि कंफर्टेबल हो प्रेग्नेंट खातून के लिए उसको लेटना, थोड़ा सा लेस हाइट का बेड जो है वो
बेहतर होता है, कंफर्टेबल होता है। वॉशरूम में भी इसी तरह ज़रा सपोर्ट सिस्टम हो, अगर बाथरूम से उठने और बैठने के लिए प्रेगनेंसी में, तो वो भी हेल्पफुल होता है। मज़ीद मशवरे के लिए आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं। मैं शालामार हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ गायनी में प्रोफेसर एंड हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ। इसके अलावा पंजाब मेडिकल सेंटर में भी इवनिंग क्लिनिक्स करती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।